नमस्कार आप लाइव स्टूडीज देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ श्रुति बिहार में आए दिन लगातार नए सड़क और पुलों का निर्माण हो रहा है और ऐसे में बिहार की तस्वीर भी लगातार बदल रही है और सरकार भी इसमें निरंतर प्रयास कर रही है कि बिहार की तस्वीर बदले लोगों को नई सौगातें मिले ऐसे में आपको बता दें कि बिहार वासियों को एक और खुशखबरी और एक और सौगात मिलने वाली है जी हाँ जेपी सेतु के समानांतर सिक्स लेन का एक और नया पुल बनेगा जिससे लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी आपको बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बयालीस महीने यानी कि साल 2026 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा जिससे उत्तर बिहार से आ रहे जितने भी लोग पटना आते हैं उनको काफी ज्यादा आसानी होगी तो आइए आपको बता दें पूरी खबर विस्तार से पटना के गंगा नदी पर दिग्घा और सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर बनने वाला लेन का नया पुल पुल महीने में बनकर तैयार हो जाएगा निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निविदा जारी कर दी है एजेंसी का चयन होते ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा नए पुल को जेपी सेतु की दक्षिण की तरफ से गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए अलग से दशमलव पचासी किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी पुल निर्माण के लिए कुछ दिन पहले ही करोड़ का में किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो तो वर्ष दो में नए पुल से आवागमन शुरू हो जाएंगे निर्माण कार्य की निगरानी के लिए अलग से प्राधिकरण अभियंता बहाल होंगे इसके लिए भी विभाग ने अलग से निविदा जारी की है तो जेपी सेतु के समानांतर पटना और सारण जिला स्थित गंगा नदी पर छह दशमलव नौ सौ पच्चीस किलोमीटर का सिक्स लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज बनाया जाएगा इसमें गंगा पर चार दशमलव पांच सौ छप्पन किलोमीटर का एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज बनेगा जबकि पुल को सड़क से जोड़ने के लिए कुल दो दशमलव तीन सौ सड़सठ किलोमीटर की अप्रोच पद का भी निर्माण किया जाएगा तो वही आपको बता दें कि जेपी सेतु के समानांतर बनने वाले सिक्स लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज का निर्माण होने से उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों को काफी फायदा होगा जेपी सेतु के बाद ये एक और नया विकल्प हो जाएगा इससे आवागमन काफी सुगम हो जाएगी तो वहीं उत्तर बिहार को जोड़ने का ये एक बेहतर माध्यम होगा इससे मुख्य रूप से पटना का सारण सिवान और गोपालगंज जिले में सीधा जुड़ाव हो जाएगा वर्तमान जेपी सेतु के नीचे रेलवे लाइन और ऊपर सड़क है रेल पुल का निर्माण पहले से चल रहा था जिस पर सड़क पुल भी केंद्र से पास हुआ ऐसे में इस सड़क पुल को अधिक चौड़ा किया जाना मुश्किल था इसलिए ये दो लेन का ही पुल बना बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से एक और पुल बनाया जा रहा है यानी कि जितने भी लोग उत्तर बिहार से पटना आते हैं उनको एक बड़ी सौगात मिलने वाली है जेपी सेतु से समानांतर सिक्स लेन का एक नया पुल बनेगा जितने भी लोग उत्तर बिहार से पटना आते हैं उनके लिए खुशखबरी है बिहार की तस्वीर लगातार बदल रही है और सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है तो फिलहाल खबर में बस इतना ही बने रही हमारे साथ देखते रहिए लाइव सीरीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेसबुक पेज को लाइक करें हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद